मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से खबर है, जहां नरवर शिक्षा विकास खंड क्षेत्र में संचालित शासकीय हाई स्कूल धरखेड़ा की भूमि पर भू माफियाओं ने झोपड़ी बनाकर पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिया है। प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वही दूसरी ओर ग्रामीण अंचल में मौजूद कई वर्ष पुराने सरकारी स्कूलों की भूमि सुरक्षित नहीं है, न सुविधा है और न ही सुरक्षा। ऐसा ही एक मामला हाई स्कूल धरखेड़ा से जुड़ा हुआ है, जहाँ स्कूल के सामने ही भू माफियाओं ने कच्चा और पक्का मारकर अवैध कब्जा किया। वही स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पीने के पानी की किल्लत भी बनी हुई है। शिक्षक दूर से पानी भरकर लाते हैं, इतना ही नहीं लगभग 75 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक पदस्थ है। बता दें कि जब इस मामले पर विकास खंड अधिकारी और तहसीलदार से चर्चा की गई तो उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। आज बताया की छात्र छात्राओं को रास्ते पे आवागमन पर अतिक्रमण कर लिया गया, तो उसको मैंने संज्ञान में ले लिया और अभी हम पटवारी और आरआई के माध्यम से उसमें जांच कराते हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले ये मेरे संज्ञान में आया, जो कि वहाँ के शाला प्रभारी शासकीय हाई स्कूल धरखेड़ा ने मेरे संज्ञान में लाया कि वहाँ पर आसपास के लोगों द्वारा शासकीय भूमि जो स्कूल की है उसका अतिक्रमण किया गया। मैंने तुरंत ही वहाँ पर मौका स्थिति देखते हुए वहाँ का जायजा लिया और समझ में आया कि वास्तव में वहाँ भूमि का अतिक्रमण हुआ है। मैं तत्कालीन स्वयं तहसीलदार जी से बात की और इसके निजात के लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इसका निजात जल्द से जल्द करें, और हमारे द्वारा एक आवेदन भी तहसील कार्यालय में जमा किया गया है, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि वह इसका विधिवत रूप से इस समस्या का निराकरण करेंगे। शासकीय हाई स्कूल थरखेड़ा, यहाँ हमें जैसे आने में परेशानी होती है और जैसे ग्राउंड में खेलने की जगह भी कम है, जगह घिर चुकी है, पानी की परेशानी है, हैंडपम्प खराब हो गया है, टीचर पानी भर के लाते हैं जो उससे हम पूरा मामला ये अतिक्रमण का है। अभी कुछ लोगों ने ये पक्का मकान बना लिया, इसके पास में एक झोपड़ी बना ली, कुछ लोगों ने वहाँ ईंटें डाल दी रास्ते में, बच्चे नहीं निकलते, इसलिए हमारे बच्चे यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास नया गाँव कोणर थरखेड़ा और ये तीन गाँव के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को देख के नए गाँव के बच्चे तो एडमिशन कटा ले गए मेरे यहाँ से। अभी जैसे यहाँ पर टोटल मतलब जो हाई स्कूल है 9th और 10th दो क्लास लगते हैं, हाँ, तो कुल बच्चे अभी कितने हैं उसमें नाम दर्ज है बच्चों? अभी हमारे यहाँ 75 बच्चों का एडमिशन हो चुका है 9th और 10th में दोनों में। अच्छा, तो यहाँ पे शिक्षक भी अकेले हो, अकेले कैसे मैनेज करते हो? अब क्या है, दोनों क्लास में पढ़ाते, एक को होमवर्क दे देते हैं, जब तक बुलर्न करते जब दूसरी क्लास ले लेते हैं। अच्छा, ये अतिक्रमण हटाने के लिए कोई पहल आपके द्वारा की गई है? अतिक्रमण हटाने के लिए मैं थाने में आवेदन दिया, थाने वालों ने कहा तहसील में दू, मैं तहसील में खुद दे के आवेदन आया, तहसीलदार ने साहब रिमार्क कर दिया था पटवारी के लिए। भैया प्रतीक्षा करते हैं पटवारी को, बहुत बार फोन किया, वो ये कहते हैं कि यहाँ के मतलब स्वीकृति कहाँ है, जमीन के कागज दे, कागज हमारे पास है नहीं। अच्छा, तो ये इसको बने हुए भवन को कितना टाइम हो गया शाला को? बने हुए करीब करीब 2015 बन गया था भवन, 15-16 से संचालित है। हाँ, विद्यालय चल रहा है और 19-20 में हम यहाँ पदस्थ हुए हैं। भैया पानी की भी व्यवस्था देखा है, हैंडपम्प बंद पड़ा है, बच्चे अभी बाहर से पानी लेके आ रहे थे कट्टी में। हाँ, हैंडपम्प अभी करीब 3-4 महीने से खराब है, पीएचई वालों से बोल बोल के कुछ हमने अपने जैसे लोकल के लोग नेता उनसे भी बुलवाए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवपुरी से संवाददाता कमर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर, जिस तरीके से देखा जाता है कि शिक्षक गंभीर नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल परिसर में एक अवैध कब्जा करने का ये मामला सामने आया है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी चाहिए। कमर खान, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो जिस तरीके से स्कूल परिसर में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, किन किन समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? आकांक्षा, ये शिवपुरी जिले के नरवर विकास शिक्षा विकास खंड क्षेत्र में एक कठेंगरा थरखेड़ा हाई स्कूल है जी। और यहाँ पे जो है शासकीय भवन विद्यालय जो बना हुआ है, तो यहाँ काफी दिनों से जो है लोगों के द्वारा कच्ची झोपड़ी बना के कब्जा किया जाता है। स्कूल के जो प्राचार्य हैं उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायत का अभी कोई समाधान उस पर नहीं किया गया, संज्ञान में नहीं लिया गया। और अब जो है फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि वहाँ पे जो है पक्का निर्माण कमरा बनाकर किया जा रहा है जी, और वहाँ जो बच्चे आते हैं स्कूल में उनको आने जाने के लिए रास्ता भी बहुत बिल्कुल कंजेस्टेड कर दिया है, कि उनको आने जाने में दिक्कत का
सामना करना पड़ रहा है। तो कमल खान, जिस तरीके से ये भी समस्या सामने आ रही है कि पानी की सुविधा नहीं है और लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रशासन की ओर से अभी क्या कुछ अहम कदम इसको लेकर उठाए गए हैं? ये तो है, अकेला फरसेरा हाई स्कूल नहीं है, इस तरह के ग्रामीण अंचल में कई ऐसे प्राथमिक स्कूल कहे, शासकीय प्राथमिक स्कूल या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, कई ऐसे भवन है जहाँ के भवन बना दिए गए हैं, जाने के रास्ता नहीं है, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, हैंडपंप लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं है, उन हैंडपंपों पे पाइप नहीं है, पानी की व्यवस्था बच्चों को, टीचर कई ऐसे विद्यालय हैं, जब मैंने मौके पर जाकर देखा कि टीचर जो है पानी को कट्टियों के टांग टांग कर लाते हैं, भरकर दूर जगा के, और बच्चों को जो है, और इसी कारण बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो बच्चे भी बेचारों में बहुत कम दिखाई देते। जी कमल, एक और गंभीर विषय भी सामने आ रहा है कि वहाँ शिक्षकों की भी काफी कमी देखी जा रही है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है और शिक्षक वहाँ पर कम है, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आ रही है? कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है कि एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 9 कक्षा 10 हाई स्कूल में 2 स्कूलों का मतलब शिक्षा दी जाती है, लेकिन 75 ये जो हाई स्कूल है, यहाँ जब बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई तो प्राचार्य ने बताया कि वहाँ पे 75 बच्चों का नाम दर्ज है, 75 बच्चे आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव लगे हुए हैं, वहाँ के 4 गांव के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का स्तर, एक तरफ तो सरकार शासन और प्रशासन बच्चों से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है और दावे कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में विद्यालय है वहाँ पे ना तो शिक्षा का स्तर दिखाई दे रहा है, ना पानी की वहाँ पे जो है जो भी सुविधाएं बच्चों को मिलना चाहिए या विद्यालय में संचालित होनी चाहिए वो सुविधाओं का भी आभाव बना हुआ है, और दूसरा शिक्षकों का भी ये हाल है कि अब इतने बड़े 75 बच्चों के बीच में एक अकेला शिक्षक वहाँ बच्चों को किस तरह की शिक्षा देगा, वो ऑफिस का कार्य संभालेगा या बाहर का देखेगा करेगा या बच्चों को शिक्षा देगा, एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है, ये एक गंभीर विषय है जो अधिकारियों को संज्ञान में लेकर और जो वरिष्ठ अधिकारी है या शासन में बैठे हुए हैं तो उन लोगों को ये सारी चीजें अवगत कराना चाहिए। वही कमल का, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने मौका मुआयना भी किया, आप वहां पहुंचे भी, क्या लगता है किसी तरीके का आश्वासन अभी प्रशासन की ओर से दिया गया हो, अधिकारियों की ओर से दिया गया हो? अभी इस मामले को, अतिक्रमण के मामले को और जो संचालित सुविधाएं उनको लेकर नरवर के जो विकास खंड अधिकारी है आकाश यादव, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी अभी इन समस्याओं पर जो है एक्शन लेने का या आगे कार्रवाई करने का और अवगत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। बाकी अतिक्रमण को लेकर जो नरवर तहसीलदार अमित दुबे से बात की गई तो उन्होंने भी कार्रवाई करने का, जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया हुआ है। अब देखना ये है कि ये जिम्मेदार कब निभाते हैं और कब इन समस्याओं का निराकरण करके समाधान करते हैं। ठीक है कमल खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये विद्यालय की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ लोगों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भू माफियाओं का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं स्कूल पर सभी भू माफियाओं ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिससे छात्रों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का इस तरीके का हाल है, लगातार आश्वासन अधिकारियों की ओर से दिया जा रहा है कि वो मौका मुआयना करके इस स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने इस मामले को लेकर कोई भी सुध नहीं ली है।